जी अस्सलाम वालेकुम मलीना सबास आयशा आतिफ एंड मेयर आयशा आतिफ और मेयर आपका तो मुझे पता होता है आपने अगली क्लास में आना ठीक है और अलीना और सबास का रिकॉर्ड है कि पिछली क्लास में सबास ने तो कोई क्लास नहीं मिस की और अलीना ने बीच में जो उनके गैप्स थे कुछ कवर अप करने के लिए बीच में थोड़ी सी ब्रेक ली थी लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह सबास जो है ना सबास कैसा मौसम है आज कश्मीर का कैसे चल रहे हैं रोजे अलीना मिया चन्नू भी ठीक है तो आप लोगों ने मुझे इतना याद किया कि मुझे आप याद हो गए हैं ठीक है और मजा आता है मुझे ऐसे स्टूडेंट्स के साथ। तो जी आज हम पिछली क्लास वालों को तो अभी से लगेगा कि मैं वही बातें कर रही हूँ जो पिछली क्लास में कर रही थी जैसे शबाना आतिफ आयशा और उमेर अभी पिछली क्लास में मैंने अनाउंस किया कि इस वीकेंड पे सैटरडे को कल टेस्ट अपलोड होगा और संडे तक आप अटेंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही क्लास के एंड पर हम एक समरी देखेंगे और जैसे मैंने भी आपको दूसरी क्लास में कहा कि आपने को चार्ट अपलोड करना है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपको दिए जाएंगे वो आप शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ कीवर्ड्स के साथ सॉल्व करके अपलोड करने एलएमएस पे और तीसरा काम आपका टेस्ट होगा टेस्ट में काम संभाल होंगे अभी बल्कि मैंने आपका टेस्ट अप्रूव भी किया है सिंपल सा टेस्ट है। तो अलीना और सबास आपको पता है कि हमने पिछले सेशन में बहुत प्रैक्टिस की थी इस सेशन में हम उससे भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ठीक है। बिकॉज कंपनी लॉ में ना एम लॉ में मसला आता था कि लिखना कैसे और एक दो हफ्ते के बाद आप लोग बड़े अच्छे हो गए थे एक लाइन से चार लाइनें लिखने के काबिल हो गए थे। यहाँ सी लॉ में ना लिखना कैसे इज नॉट एन इशू हमेशा क्योंकि वही लिखना है जो किताब में लिखा हो 100% नहीं लेकिन पॉइंट्स खुद से कुछ नहीं सोच के लिखना। यहाँ से ये मसला आता है कि पॉइंट्स तफसीलात होती मतलब कहानी लंबी तो नहीं होती लेकिन कहानी के अंदर एक सेंटेंस में कितने दिनों में कौन से डॉक्यूमेंट्स काफी सारी चीजें होती हैं और वो हमेशा स्किप हो जाती है। तो कंपनी लॉ में हम इतनी मरतबा इंशाल्लाह इतनी मरतबा रिपीट करेंगे कि हमें वो जो भूलने का मसला ना एम लॉ में लिख के दिखाना मसला होता है कंपनी लॉ में याद रखना मसला होता है तो इंशाल्लाह हमारा वो मसला सॉल्व हो जाएगा ठीक है जी। तो ये मैं एक इंट्रोडक्टरी तकरीर कर रही थी बाकियों के आने से पहले उनको भी मैं क्लास के आखिरी 5 मिनट में आपने मुझे बताना है कि मिस आखिरी 5 मिनट रह गए मैं जोशी किताबत में ना मुझे तभी पता चलता है जब बच्चे कहते हैं मिस अगली क्लास का टाइम हो गया तो मुझे आखिरी 5 मिनट में आप याद करा दीजिएगा और फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे कि आपने वीकेंड पे क्या करना है। तो अभी इस वीक मैंने आप पर बर्डन कम रखा हुआ था बिकॉज रमजान अभी ताजा ताजा शुरू हुआ था तो मैंने कहा कि अभी से पहले आप रमजान से थोड़े यूज्ड हो जाए फिर मैं भी अपनी रूटीन सेट करा दूंगी आपके पास। चलिए तो कल हमने पढ़ा था बच्चों कंपनीज की एक और टाइप बेस्ड ऑन पब्लिक एनवायरनमेंट ठीक है। हमने कहा था कि नाम से ही पता चलता है नाम ही काफी है कुछ कंपनीज प्राइवेट होती हैं ठीक है। जैसे आप दोस्त से कहते हैं ना ये बात प्राइवेट है किसी और को नहीं बतानी लेकिन आपके दोस्त क्या करते हैं थोड़ी देर बाद को पता चलता है जब दोस्त को कहा होता है ना या किसी को भी कहा होता है ये बात किसी को नहीं बतानी ये प्राइवेट बात है तो थोड़ी देर बाद पता चलता है कि सारों को वो बात पता है लेकिन प्राइवेट कंपनी में भी दोस्त होते हैं लेकिन यहाँ पर क्योंकि कानून अप्लाई होता है इसलिए यहाँ पर जब वो मना करते हैं कि बाहर का कोई बंदा नहीं आएगा तो कोई बाहर का बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। पब्लिक कंपनी की क्या डेफिनेशन थी बच्चों मैं आपसे आसान वाला सवाल पूछती हूँ आज। नासिर इकरा अलीना सबास आयशा आमना आतिफ आशिश शबाना मैं वेरी नाइस पब्लिक कंपनी इज वेरी सिंपल जो प्राइवेट नहीं होती। पब्लिक का मतलब अवाम। तो
पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन तो मजाक है, और काश उसने यही मजाक प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में लिखा होता कि जो पब्लिक नहीं होती वो प्राइवेट होती है, जो प्राइवेट नहीं होती वो पब्लिक होती है। लेकिन कानून में इतना जादू भी नहीं है, तो प्राइवेट को उसने डिफाइन कर दिया कि प्राइवेट हम आपको बता देते हैं कौन सी है, और फिर उनमें से कोई एक शर्त भी पूरी ना हुई तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली पब्लिक कंपनी बन गई। बताया नहीं, प्राइवेट कंपनी की तीन शराय, सिंगल मेंबर कंपनी की हम बात नहीं करें, सिंगल मेंबर कंपनी में तो शर्त का कोई लगाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि एक ही बंदा है, उसने किसी को नहीं आने देना, उसे कहना मैं और बस मेरे साथ भी मैं, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी की बाकी तीन शराय क्या है, वेरी नाइस। सबसे पहले ये कि इसको प्राइवेट रखना है, इसके शेयर्स बाहर के लोगों को ट्रांसफर नहीं करना। कहां पर लिखा होता है कि शेयर्स किसको ट्रांसफर करने या नहीं करने, आपके ख्याल से कहां पर लिखा होगा, कैसे उन्होंने किस किस जो मना किया होगा कि किस किस बंदे को, अगर फैमिली की बिजनेस है तो फ्रेंड्स को नहीं देना, बाहर के लोगों को नहीं देना, फ्रेंड्स का बिजनेस है तो वगैरह वगैरह, कहां लिखा होगा ये? ये जनरल नॉलेज का सवाल है, सिर्फ कॉमन सेंस का सवाल है, ये पेपर के लिए नहीं है। कोई एक और कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज कराना है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। वेरी नाइस जी। तो हाशिर ये बात मेमोरेंडम में लिखी होगी सिर्फ इस तरह से कि मेमोरेंडम में उसका नाम प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। मेमोरेंडम सिर्फ बेसिक बातें करता है, नाम से जब प्राइवेट लिमिटेड है तो ऑटोमेटिकली ये शर्त होगी। इसकी तफसील कहाँ लिखी होगी, तफसील कौन, तफसीली कानून कहाँ लिखा होता है कंपनी का? वेरी नाइस, AOA में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। तो वेरी नाइस, वेरी हैप्पी टू सी माशाल्लाह कि आप लोग ठका ठक जवाब दे रहे हैं। तो आपने बड़े आराम से बता दिया कि अच्छा उमेर, ये जो आपका आंसर है ना, मैं आपके आंसर जरा गौर से पढ़ के ना थोड़ी सी डेफिशिएंसीज पॉइंट आउट कर दूं। जब हम टेक्निकल वर्ड्स लिखते हैं ना तो कभी कभी हम कुछ वर्ड्स चेंज कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो जो मुश्किल पॉइंट था वो सबने सही लिखा है कि प्रोहिबिशन का वर्ड भी ठीक लिखा है, सब्सक्रिप्शन का लफ्ज भी ठीक लिखा है, सिक्योरिटीज भी ठीक लिखा है, वेरी गुड। लेकिन ज्यादातर लोगों ने ये लिखा है कि लिमिट्स, लिमिट बता दिया कि मैक्सिमम लोग 50 होंगे, ये नहीं बताया कि कम से कम दो भी होने चाहिए, मतलब नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में। सिंगल मेंबर की यूजली हम डेफिनेशन में बात नहीं कर रहे होते। दूसरी चीज, आप लोगों ने सबने नहीं लिखा सिवाय लीना के, लीना ने लिख दिया कि एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी जो है वो मेंबर्स में नहीं आएंगे। आप में से किसी ने भी जॉइंट ओनर की बात नहीं की कि जॉइंट, आपने ब्रैकेट्स में ये भी लिखना है कि जॉइंट ओनर्स शैल बी कंसीडर्ड एज वन शेयर होल्डर। और मेयर, आपने ना गलती से या शायद जल्दी में आपने लिख दिया लिमिट्स द नंबर ऑफ शेयर्स टू 50। शेयर्स पे लिमिट नहीं है, शेयर्स उसके 3 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ भी हो सकते। लिमिट किस पे लगी है? शेयर होल्डर पे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में ऐसे हो जाता होता है, ठीक हो गया। अच्छा मायदा, आज आप हमारी क्लास में पहली बार तुम्हारा आई हैं, क्या आपने रिकॉर्डिंग्स देखी हैं, क्या आपने पहले लॉ पढ़ा है? अब सवाल उन लोगों के लिए है जिन्होंने जवाब नहीं दिया, आमना, और किसने जवाब नहीं दिया? आशिर, आपने आंसर किया क्वेश्चन का, आशिर ने दूसरे सवाल का जवाब दिया, आशिर ने इस सवाल का जवाब भी दिया, आमना ने नहीं दिया, और मैर ने दे दिया, शबाना आपने पढ़ना शुरू किया है, मोहसिन आपने जवाब नहीं लिखा, ठीक है। तो मैं हमेशा ये बताती हूँ बच्चों की जिंदगी में जितने इम्तिहान होते हैं ना, मुकाबले के होते हैं,
बचपन में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे, सीएसएस में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सब में मेरिट होता है, सीए में भी मेरिट होता है। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी क्लास में 5-6 लोग थका ठक पूरा जवाब लिख रहे हैं और आपको कॉन्सेप्ट तो आता है, आप सोचते हैं यार मैं भी लिख लूंगा, जब पेपर के लिए तैयारी करूंगा हो जाएगा, मुझे भी आता है, ये काफी नहीं है। जिंदगी की किसी भी फील्ड में जो ज्यादा मेहनत करता है वो ज्यादा आगे रहता है। जैसे बिलावल भुट्टो कहते हैं ना, ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो बिलावल भुट्टो ने फरमाया कि पेपर में आपकी कांपें टांग जाएंगी। उतनी मेहनत अगर आपने नहीं की जितनी बाकी लोग कर रहे हैं डे वन से, तो अल्लाह मियां ना आपकी क्यूमुलेटिव मेहनत देखना होता है। जब अल्लाह में किसी को भी नवाजता है ना, तो जो इकबाल लगा ना, खुद ही को कर बुलंद इतना होगी हर तकदीर से पहले, अल्लाह मियां खुद पूछे बताओ तेरी रजा क्या है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इतने मेहनती होते हैं कि अल्लाह में फिर उनको कहता है कि हाँ भाई ठीक है, अब तेरे मुताबिक मैंने सब कुछ तुझको देना है। तो ये जो लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ना, इनको अल्लाह मैंने देखना, इनका रिकॉर्ड लगना शुरू कर दिया कि इन्होंने मेहनत शुरू कर दी है, और पेपर में भी इनका रिटर्न ज्यादा होगा क्योंकि क्यूमुलेटिवली इकट्ठा करेंगे अपनी मेहनत को। आप आखिरी दिन अगर करेंगे, इतना टाइम नहीं होगा कि बेशक आप इससे ज्यादा लायक हो, ज्यादा मेहनती हो, लेकिन आखिरी दिन टाइम इतना नहीं बचेगा कि आप इतनी मेहनत कर सकें। तो इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आईकैप में जो बच्चे फेल होते हैं ना, वो नालायक हरगिज नहीं होते। ये हरगिज बहुत ही रेयर, कोई 2% बच्चा होता है जो सही तैयारी नहीं करता या क्लासें नहीं लेता, एनी बस पेपर में बैठ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। तो फिर सिर्फ कुछ पूरी 50 की क्लास में कोई 8 या 2 बच्चे, बाकी जितने वो लायक भी होते हैं, वो मेहनत भी करते हैं, उतनी नहीं करते जितनी बाकियों ने की होती, तो फिर उनका रिटर्न भी उस तरह नहीं मिलता और वो कहते हैं आईकैप में फेल कर दिया। तो बच्चों आईकैप, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, जितने भी मेरिट के इम्तिहान आते हैं, सीएसएस, ये सबको पास नहीं कर सकते, इनको एक लिमिटेड नंबर चाहिए होता है, उससे ज्यादा ये नहीं रख सकते, ठीक है। तो आपने, आपको ये तसल्ली होनी चाहिए कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कि मैं टॉप पे आऊंगा, ठीक है। आप मेहनत जरूर कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कोई मेहनत नहीं कर रहा, आप सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इक्वल लेवल पर अगर करेंगे तो रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी क्लास में अक्सर जो बाकी खरबूजे हैं वो किसी ना किसी खरबूजे को देख कर रंग पकड़ जाते हैं, तो इंशाल्लाह जब आप रोज देखेंगे फलाना इतना आंसर करता है, तो आपको भी इंशाल्लाह आदत पड़ जाएगी, ठीक है। बाकी मैं रोज ये पूछती हूँ पढ़ना शुरू किया है कि नहीं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा राज है। और कंपनी लॉ में मैंने आपको कहा कि सारी गेम याद रखने की है, लिख के दिखाना तो आपको आ ही जाएगा इंशाल्लाह। एम लॉ में सोच के लिखना, ऑडिट में आंसर सोच के लिखना, ये सबसे बड़ा स्किल है। याद भी रखनी है चीजें, लेकिन याद रखना इतना मुश्किल नहीं है, लिख के दिखाना, ड्राफ्ट करना आंसर मुश्किल है। कंपनी लॉ में अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख के आना, कंपनी लॉ में चीजें छोटी 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 बारीकियां बहुत ज्यादा है, ठीक है। बिल्कुल जैसे आप CNIC बनाने जाते हैं, दफ्तर पहुंचते तो चलता है फलाना डॉक्यूमेंट रह गया घर, इतनी सारी चीजें मांग रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कंपनी लॉ के सवाल के अंदर कोई ना कोई छोटा सा पॉइंट स्किप हो जाता है। जितनी मरतबा याद करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, ये पेपर उतना आसान हो जाएगा। सिलेबस भी बड़ा नहीं है, सिलेबस कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इसमें समझने के लिए कोई टेक्निकलिटी नहीं है, सिर्फ याद रखना इसमें सबसे बड़ी गेम है। स्पेशली जो नंबर ऑफ डेज है, हर जगह पे नए नंबर ऑफ डेज है, 7 डेज में ये कर लें, 14 में ये कर लें, 21 में ये कर लें। अच्छा जी, तो कल हमने सिक्योरिटीज की बात की थी बच्चों, सिक्योरिटीज किस चीज को बोलते हैं? चार लोगों का जवाब आया सर जी, मैं हाशिर पब्लिक कंपनी से शुरू करने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सिक्योरिटीज का कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिपीट कर लूँ। तो सिक्योरिटीज का जो टर्म है, एक वसी टर्म है, और इसका मतलब है जितने भी तरीके हैं कंपनी में पैसे लगाने की, बेशक वो शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, PFCs हो, PTCs हो, कोई भी आपने लोन दिया कंपनी को या इक्विटी में
पार्टिसिपेट किया है, आगे आप शेयर्स की टाइप्स पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, किसी भी तरह से आपने कंपनी में पैसे डाले हैं, टीसीएस नहीं, टीएफसीज, टीसीएस कुछ और है, ठीक है, तो कंपनी में पैसे डालने के डिफरेंट तरीके हैं, आप लोन के तौर पर डाल सकते हैं, कैपिटल के तौर पर, उन सबको मिला के हम सिक्योरिटीज बोलते हैं। हमारी बुक में भी सिर्फ शेयर्स और डिबेंचर्स का जिक्र था इस डेफिनेशन में। तो पब्लिक कंपनी की हमने दो टाइप्स का नाम सुना था, एक लिस्टेड, एक अनलिस्टेड। ये किस किस्म का नाम हुआ, लिस्टेड अनलिस्टेड, कौन सी लिस्ट, क्या इनके मेडिकल के इम्तिहान होते हैं कि लिस्टें कहीं लिखती हैं कि कौन मेरिट पे आया कौन नहीं। ओ शबाना, वो उसने जल्दी में आपका टाइपो कर दिया, ऑटो करेक्ट कर दिया उसने अपनी तरफ से, ठीक हो गया जी। नासिर, इकरा, अलीना, सुबास, आयशा, आमना, आतिफ, हाशिर, मोहसिन, शबाना, उबैद, कौन सी लिस्ट, किस लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे? तो स्टॉक एक्सचेंज, पहले तो मुझे बताइए स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज, इसको स्टॉक एक्सचेंज क्यों बोलते हैं, और फिर लिस्ट, कौन सी लिस्ट लगी होती है इसके ऊपर? कराची में आप कह रहे हैं कोई स्टॉक एक्सचेंज है, अच्छा तो ये इसका नाम स्टॉक एक्सचेंज में, ये किस किस्म का नाम है, मुझे एक्सप्लेन करें क्या एक्सचेंज होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं। तो आप कह रही है शमाना यहाँ पे शेयर सेल होते हैं तो शेयर्स एक्सचेंज होना चाहिए ना, इसका नाम स्टॉक एक्सचेंज क्यों भाई, स्टॉक्स तो हम इन्वेंट्री को कहते हैं, है? ये क्या ये खुला तजाद नहीं है? स्टॉक्स आप कह रही है शेयर्स को भी कहते हैं, कितने लोगों को पता है कि स्टॉक्स शेयर्स को भी बोलते हैं? तो बच्चों बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट ना अमेरिका में शुरू हुआ था, मतलब हाशिर सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, सॉरी आई विल टेक माय वर्ड्स बैक, शेयर्स की बजाय हम सिक्योरिटीज, अब तो आपको पता ना सिक्योरिटीज क्या होती है, तो स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज एक्सचेंज, इसको सिक्योरिटीज एक्सचेंज भी बोला जाता है, लेकिन आप लोग ज्यादातर इसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, इसका ज्यादा अच्छा नाम सिक्योरिटीज एक्सचेंज है। स्टॉक्स बच्चों इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि ये शुरू हुआ था अमेरिका में ये बिजनेस, और अमेरिका में स्टॉक्स शेयर्स को बोलते हैं, ठीक है, हम बाकी जो सारी दुनिया है उसमें इन्वेंट्री को स्टॉक्स कहते हैं, लेकिन अमेरिका में हम, अच्छा तो मैं अभी ना अपनी स्क्रीन पर आपको जरा दिखाऊं, तो ये आपने फिर अगला सवाल मेरा ये था कि लिस्ट कौन सी लिस्ट होती है, इसके ऊपर कौन सी लिस्टों की बात हो रही है, आखिर इसका नाम लिस्टेड क्यों है, व्हाई डू वी कॉल इट लिस्टेड। अच्छा जी, आप लोगों को मेरी स्क्रीन के ऊपर फिलहाल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट नजर आ रही होगी, नजर आ रही है, और नीचे जो सबसे नीचे वाली बार है उस पर लिखा हुआ है KSE 100, और डिफरेंट कंपनीज के नाम जो हैं वो लेफ्ट की तरफ एक लिस्ट मूव कर रहे हैं, लिस्ट फॉर्म में तो नहीं है, लाइन फॉर्म में है, ठीक है जी। अवेलेबल टू पब्लिक का मतलब लिस्ट होता है, तो ये आप देख रहे हैं, पहले इसकी बड़ी सिंपल सी वेबसाइट होती थी, अब उन्होंने ज्यादा खूबसूरत कर दिया, तो बेसिकली बच्चों इसको लिस्टेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो अभी आपको लाइन फॉर्म में लेफ्ट पे चलता हुआ नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे, PTC, BOP,
SEBPL, BPL, different companies के नाम के abbreviations हैं ये, for example, BOP is Bank of Punjab, ठीक है, तो NBP is National Bank of Pakistan. तो basically बच्चों, पहले ये ना, जब आप website खोलते थे ना, तो एक list आपके सामने खुलती थी, और उसमें हर company का नाम होता था, आगे उसकी shares कितने के खरीदे जा रहे हैं, कितने के बिक रहे हैं, क्या activity चल रही है, वो जो आप खबरों में सुनते ना, market में मंदी चल रही है, ठीक है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते थे, ठीक है, और ये एक लिस्ट फॉर्म में होता था. अभी जब आप कभी इसकी वीडियो देखेंगे तो एक ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है जिसमें इसी तरह से लिस्ट नहीं चल रही होती, कंटिन्यूअस एक इंफॉर्मेशन चल रही होती है, ठीक है. तो इसको लिस्टेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पुराने जमाने में लिस्टें लगी होती थी, और लिस्टों में, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी जो इंडेक्स है ना, जिस ये जो नीचे इंडेसेस आ रहे हैं, एक्सचेंज सिंबल और इंडेसेस, ठीक है, और आप ये देख रहे हैं कि उसने की भी दी है कि एडवांस, क्या कोई शेयर बढ़ गया, डिक्लाइन, क्या उसमें डिक्लाइन आई है, क्या उसमें कोई चेंज नहीं आया था उसे, ठीक है. और ये जो जो उससे पहले लिखा हुआ है, ये कंपनीज, कंपनी का जो इंडेक्स है कि भाई कौन कौन सी लिस्टिंग में कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है कंपनीज की, ठीक है, ये उसने उसमें चेंजेस बता दिए, तो इसलिए इसको लिस्टेड बोलते थे. अब बच्चों ये तो समझ लग गया कि पब्लिक लिस्टेड कंपनीज जो हैं वो होती हैं जिनकी लिस्टें किसी सिक्योरिटीज एक्सचेंज में लगी होती हैं, और वहां पर आवाम जाकर बड़े आराम से शेयर्स खरीद भी सकती है और बेच भी सकती है. लेकिन बच्चों यूजुअली क्या, हम क्या आपने सुना है कि कभी कोई खुद जाकर उसने शेयर्स खरीदे और बेचे हो लिस्टेड कंपनी के? तो कुछ टर्मिनोलॉजीज ना अजीब सी होती हैं, जैसे लिस्टेड का लफ्ज बड़ा अजीब है, लिस्टेड अजीब सा लफ्ज है, हम किसी कंपनी के लिए ये लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करते. बिल्कुल इसी तरह जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, बेचने जाते हैं, तो कोई भी बंदा डायरेक्टली नहीं खरीदता या बेचता, यूजुअली आप बीच में एक पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं जिसका नाम होता है प्रॉपर्टी डीलर. अब प्रॉपर्टी डीलर भी दरमियान की जो इंटरमीडियरी पार्टी है, अब उसका नाम इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कोई कहेगा प्रॉपर्टी डीलर तो आपको फौरन समझ लग जाएगी क्या काम करता है, प्रॉपर्टी के डील्स कराते हैं. तो लिस्टेड कंपनीज में भी शेयर्स खरीदने बेचने के लिए बीच में एक इंटरमीडियरी होता है जिसको ब्रोकर बोलते हैं. तो आमतौर पर ना बच्चों ये जो ब्रोकर्स होते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, जो दरमियान वाली पार्टी होती है ना उसको ब्रोकर बोला जाता है, ठीक है. तो लेकिन कुछ जो अच्छे बिजनेसेस हैं उन बिजनेसेस के अंदर उसका नाम बेहतर कर दिया गया ताकि नाम बोलते समझ लग जाए. लिस्टेड कंपनी में ब्रोकर नाम से लग रहा है कुछ तोड़ने वाला है, कोई इस तरह का बंदा है, लेकिन ये नाम भी आपने पहले ब्रोकर सुना होगा. और फिर ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं, बिल्कुल जैसे प्रॉपर्टी डीलर की पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, काफी सारे पार्टनर्स भी हो सकते हैं, और एक अकेला प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकता है. बिल्कुल इसी तरह ब्रोकर लहदा से भी काम कर सकता है, और ब्रोकरेज हाउसेस प्रॉपर उसका बिजनेस भी हो सकता है जिसमें उसने काफी सारे ब्रोकर रखे होंगे. तो मिस किया, जो मुंह यहाँ यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है ना, कल मेरे ऊपर कीड़े चढ़े हुए थे और मेरा ख्याल था कि जहां मैं गाड़ी खड़ी करती हूँ ना वहां दरख्त से मेरे ऊपर गिरे, ठीक है. तो मुझे अब पता चला कि मेरे कमरे में कीड़े फिर रहे हैं, और अजीब बात यह कि ये कीड़े सिर्फ दरख्त पे होते हैं, तो ये यहाँ पर एसी का मजा लेने आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, चिल करने आए मेरे कमरे में या कंपनी लॉ पढ़ने आए. अच्छा, अब शबाना ने लिखा कि ब्रोकर्स जो हैं वो अंडरराइटर्स भी होते हैं. अंडरराइटर एक और बंदा होता है. अंडरराइटर ये भी बच्चों एक पुराने जमाने की टर्म है, अभी जनरल नॉलेज की हम बात करें, लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया, आपको पता होना चाहिए. अंडरराइटिंग की जो टर्म है ना, ये अब ज्यादातर सिर्फ इंश्योरेंस में इस्तेमाल होती है. अंडरराइट करने का लफ्ज़ ही मतलब पुराने जमाने में ये होता था कि जब आप कोई भी डील करते हैं उसके अंडर आप राइट करते हैं क्या, अपने सिग्नेचर. आपका सिग्नेचर एक वादा है, एक अहद है. किसी भी अहद को, वादे को अंडरराइट, पुराने जमाने में सबको अंडरराइट कहना कहते थे. अब अंडरराइटिंग की जो टर्म है ये हम इस किताब में पढ़ेंगे आगे, कि जब आपने शेयर्स बेचने होते हैं, एक तो इंश्योरेंस में अंडरराइटिंग का लफ्ज इस्तेमाल होता है कि इतनी पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज किसी ने अंडरराइट की है, यानी
इंश्योरेंस कंपनी ने इतने लोगों की इंश्योरेंस की है, वादा किया है कि अगर उनका नुकसान हुआ तो हम अहद करते हैं कि हम आपका नुकसान पूरा करेंगे। शेयर्स में अंडरराइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ और है, अंडरराइटर्स ब्रोकर्स नहीं होते। अंडरराइटर्स बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं जो वादा करती हैं कि अगर आपने शेयर्स नए इशू किए और कोई ना लेगा तो या तो हम बिकवा देंगे और अगर किसी ने ना खरीदे तो हम खुद खरीद लेंगे। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते, जहां पे है फिर हम वहीं पर एक मरतबा इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चले तो ब्रोकर का लफ्ज सिर्फ इस्तेमाल होता है यहाँ तो नहीं है, लेकिन वैसे आपके जनरल नॉलेज में ब्रोकर आपने एम लॉ में भी पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एजेंट्स में ऑक्शनियर, ब्रोकर, डेल क्रेडियर। चले तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी आपको पता चल गई कि जिसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर या सिक्योरिटीज एक्सचेंज के ऊपर जो लिस्टेड है। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनीज शेख चिल्ली की तरह होती है। बचपन में शेख चिल्ली की कहानी पढ़ी आप लोगों ने, उमरो यार की, शेख चिल्ली की, इस तरह का नाम सुने हुए आपने। तो शेख चिल्ली की क्या कहानी थी, शेख चिल्ली को एक दिन एक सोने का अंडा मिला और हातिम ताई की भी, हातिम ताई से आपने क्या याद करा दिया। एक जमाने में ना मैंने एक सेशन पढ़ाया बिजनेस लॉ का, एम लॉ का, और उसमें मैंने सारी एग्जांपल्स ना हातिम ताई की, तो बच्चे ना हर एग्जांपल में हंसना शुरू कर देते कि मिस बख्श ने हातिम ताई बेचारा कब्र में से निकल के आतेगा। ठीक है, अच्छा जी, तो शेख चिल्ली की ये कहानी है कि उसको एक दिन एक सोने का अंडा मिलता है और वो ये सोचता है कि मेरी तो लॉटरी लग गई भाई। गर्मियों का दिन होता है, सोने का अंडा लेके ना दरख्त के नीचे बैठता है, छांव में उसको नींद आ जाती है, सोचता है कि यार ये सोने का अंडा ना, इसमें मुर्गी बिठाऊंगा, उसमें से एक और मुर्गी निकलेगी, वो और सोने के अंडे देगी, उसमें से और मुर्गी निकलेगी, वो और सोने के अंडे देगी, और मैं तो बिल गेट्स और जेफ बेजोस और एलन मस्क से भी आगे निकल जाऊंगा, मैं तो बिलियनेयर ट्रिलियनेयर पता नहीं कितने लेयर बन जाऊंगा। ठीक है, और फिर क्या हुआ, फिर उसकी आंख खुलती है और पता चलता है कि वो खुद ही सोने के अंडे के ऊपर बैठा हुआ था और सोने का अंडा टूट गया। तो बच्चों, अनलिस्टेड कंपनीज भी वो कंपनीज हैं जो अभी चुनी सी हैं, उनके पास कोई सोने का अंडा है, कोई ऐसा बिजनेस है, कोई ऐसी आइडिया है जिसके बारे में वो ख्वाब देख रहे हैं कि कल को हम इतना बड़ा बिजनेस करेंगे कि हम भी लिस्टेड बन सकते हैं। अगर हमारा बिजनेस ग्रो किया और हमें मजीद पैसों की जरूरत पड़ी तो फिर हम इसको लिस्ट करा लेंगे। लिस्ट कराने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको एक मार्केट मिल जाती है जिसमें जाके आप इजीली इसके शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और एक मार्केट होगी तो बहुत ज्यादा लोग होंगे पैसे डालने वाले। ठीक है, अभी क्या है, अनलिस्टेड कैसे शेयर्स खरीदती है बेचती है, अभी जानने वालों को फोन करते हैं, कहते हैं यार शेयर खरीदना, अभी वो स्टॉक एक्सचेंज नहीं जा सकते, अभी इस मार्केट का रुख नहीं कर सकते ऑफिशियली। तो बच्चों, किसी भी मार्केट में ये बात याद रखें कि हर तरह के, जैसे आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज वाली जो मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज जो है आपकी, इसमें अनलिस्टेड कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज को कदम रखना भी अलाउड नहीं है। क्यों, ये क्यों नहीं जा सकती अभी इस मार्केट में शेयर ही खरीदने और बेचने ना, तो चले प्राइवेट वालों ने तो चले नहीं बेचने होते, नहीं किसी और को पार्ट बनाना होता, अनलिस्टेड इसमें क्यों नहीं जा सकती। बताएं 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 ये क्यों नहीं जा सकते। अच्छा, तो बच्चों आपने देखा होगा कि अक्सर जब आप कपड़े लेने जाते हैं तो कपड़े की काफी सारी दुकानें इकट्ठी होती हैं, कोई और ज्यादा कीमती चीजें लेने जाते हैं जैसे मोबाइल है, सारी दुकानें इकट्ठी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लेने जाते हैं, यही नाइस आयशा, इलेक्ट्रॉनिक्स लेने जाते हैं तो अक्सर दुकानें एक ही मार्केट में होती हैं, खास तौर पर ज्वेलरी लेने जाते हैं तो ज्यादातर ज्वेलर्स इकट्ठे बैठे होते हैं, ऐसे होता है ना।
आपने कभी ये नहीं सोचा कि सारे पागल हैं, यहाँ पे तो कंपटीशन ज्यादा है, यहाँ की दुकान खोल के बैठे हुए, दूर क्यों नहीं बैठते, इकट्ठे क्यों बैठे हुए सारे, ठीक है? तो उसकी वजह है ऑब्वियसली, जब वो दूर दूर बैठेंगे, एक कस्टमर आएगा नहीं आएगा, जब वो सारे इकट्ठे बैठे होंगे ना, तो उनको पता होगा कि चलो कस्टमर किसी और दुकान पर बेशक आए, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि सारी दुकानें फिर के जाए तो मेरी भी फिर के जाए, उनको पसंद आ जाए, मेरा भी प्रॉफिट आ जाएगा। तो इकट्ठे बैठने का ये फायदा होता है कि उनको पता होगा कि कस्टमर के लिए आसानी है, तो कस्टमर बाकी तो नसीब है ना कि कस्टमर को किसकी चीज पसंद आती है, लेकिन रेशियो ऑफ इनफ्लो ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाएगा। अब ज्वेलर्स की एक मार्केट के अंदर एक नया दुकान बंदा खोलता है और वो इंतहाई फिजूल आदमी है, बाकी ज्वेलर्स को पता चलता है कि ये ना दो नंबर सोना भी बेचता है, नकली आर्टिफिशियल चीजें सोना कह के बेचता है, और बदतमीजी भी बहुत करता है जो लोग इसको बेचते वापस करने आते हैं, क्या वो उसको ज्यादा देर इस मार्केट में बैठने देंगे? क्यों भाई, उसकी अपनी दुकान है, ऐसे ही उसको निकाल देंगे, उसने अपना किराया देना है या उसकी अपनी दुकान है, उसको ऐसे उठा देंगे वहां से, क्यों उठाएंगे वहां से, उठा सकते हैं ऐसे किसी को? कोई जवाब नहीं दे रहा जी। तो जैसे तैसे करके भी आपको बुलाना पड़े, आप कस्टमर्स के साथ मिलके पुलिस वाले बुलाकर उसको वहां से उठा देंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वेरी नाइस, उसकी हरकतों की वजह से कंज्यूमर वहां पे आना छोड़ देगा और बाकी सारे जो दुकानें हैं उनका बिजनेस भी इफेक्ट हो जाए। सिमिलरली स्टॉक एक्सचेंज, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट कंपनी पे लॉ चुनना सा लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो नुकसान करें वो दोस्त हैं, फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, कानून कहता है कि ये एक दूसरे का ख्याल करेंगे, यहाँ पे कम चांस है नुकसान का। पब्लिक कंपनीज पे लॉ सख्त है, आवाम का पैसा है, बहुत बड़ी कंपनीज हैं, संभालनी मुश्किल है, इस पे लॉ स्ट्रिक्ट है। और फिर अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट में जाना है तो आप पर लिस्टिंग रेगुलेशन लगते हैं, जो इंशाल्लाह आप सीफ़ा में पढ़ेंगे, और आप वो पढ़ेंगे कि वो उससे भी ज्यादा सख्त है कंपनी लॉ से। क्यों? क्योंकि इस मार्केट में अगर कोई एक भी बंदा गलत हरकतें करता है तो बाकी सारी कंपनीज का शेयर्स का बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर अभी अनलिस्टेड कंपनीज को कदम रखने की जगह नहीं दी गई कि अभी तुम छोटे हो, पहले तो बड़े हो गया हो, और फिर ये सारी सख्त शरायत, इन सब के साथ पहले कंप्लाई करो फिर तुम्हें आने देंगे, ये ना हो कि तुम्हें आने दिया तुम यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करो और हमारी रेपुटेशन, हमारी बाकी कंपनीज भी अफेक्ट हो जाए। तो अनलिस्टेड वो कंपनी है जो कि शेख चिल्ली की तरह ख्वाब देख रही है, और बच्चों ख्वाबों में बड़ी ताकत होती है। नेटसोल में मैंने जॉब की और नेटसोल के जो सीईओ हैं सलीम बोरी, आज आप लोग उनको गूगल कीजिएगा, आईटी की दुनिया में बहुत से लोगों ने दुनिया में पैसे कमाए हैं, जेफ बेजोस ने, बिल गेट्स ने, मार्क जकरबर्ग ने, पाकिस्तान में सलीम बोरी ने आईटी की फील्ड में बहुत पैसे कमाए। ऑस्ट्रेलिया में रहते थे 20-22 साल, वहां रहे, 20-22 साल बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आ गए और अपनी कहानी सुनाते थे हर साल सब एम्प्लॉइज को बुलाकर। तो उन्होंने घर बुला के हमें बड़ी इंस्पायरिंग, मेरे लिए बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी, उन्होंने कहा जी कि मैं जब पाकिस्तान वापस आया तो मेरे पास मेहरान होती थी, एक दिन मैं एक दुकान पे गया तो एक प्राडो किसी ने मेरी मेहरान के पीछे खड़ी की आज से 20-22 साल पहले, और पता नहीं कितने घंटे में धूप में खड़ा रहा उस बंदे के इंतजार में कि कब आएगा और जाएगा, और मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह कभी मुझे भी इस काबिल करना कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, लेकिन मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। तो उनकी कहानी कुछ हुआ है कि वो सात भाई हैं, दो या तीन सौतेले भाई हैं, बाकी सगे भाई हैं। तो उन्होंने बताया कि जी आईटी की फील्ड में वो बेसिकली बाहर की दुनिया में लीजिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, गाड़ियां बहुत ज्यादा लीज होती हैं। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि अगर मैं इसका सॉफ्टवेयर बनाऊ ना तो अभी दुनिया में इसके सॉफ्टवेयर कम लोगों के पास है, लेकिन कंपनीज बहुत बड़ी है, उनके क्लाइंट्स हैं मर्सिडीज बेंज ऑडी, और उनके घर में मर्सिडीज ऐसे चलती है जैसे हमारे घर में छोटे बच्चों को टॉय कार्स हम लेके आते हैं ना, छोटी गाड़ियां बच्चों को तोहफे के तौर पे देते हैं ना, छोटी छोटी गाड़ियां, ऐसे उनके घर में मर्सिडीज बच्चों के पास है। तो वो कहते हैं कि मैंने जब दफ्तर खोला कोई क्लाइंट नहीं था, पूरा दिन बैठ रहा था तो कोई क्लाइंट नहीं आता था, बाहर के मुल्क का कहाँ से आता। तो कहते हैं मैं इतना ज्यादा मायूस होना शुरू हो गया कि मैंने अपनी बीवी से कहा, उस जमाने में पीटीसीएल का फोन होता था, कि ये सेल फोन नहीं होता था, मोबाइल फोन नहीं होता था, तो उन्होंने कहा मुझे मिस कॉल मार दिया करो, नंबर नहीं आता था उनके फोन के ऊपर। तो
एलसीडी नहीं थी उसके ऊपर, तो उन्होंने कहा मुझे मिस कॉल मार दिया, पर मैं ये समझूंगा कि शायद किसी क्लाइंट का फोन था, मुझसे मिस हो गया। एटलीस्ट बंदे को हौसला तो होता है कि शायद किसी दिन मुझे भी कोई क्लाइंट मिलेगा। तो कहते आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर उन्होंने अपने भाइयों को इन्वॉल्व किया, उनके सारे भाई बाहर के मुल्कों में रहते थे, कोई अमेरिका कोई सिंगापुर वगैरह वगैरह। तो कहते एक दिन मुझे सिंगापुर का क्लाइंट मिला, मेरे पास दफ्तर नहीं था प्रॉपर, कोई बंदे कोई कंप्यूटर्स नहीं थे, तो मैंने किराए का दफ्तर कराया, किराए के कंप्यूटर और किराए के बंदे बिठाए, उनको कहा कि ये मेरा दफ्तर है। और आज अगर उनका दफ्तर आप देखें तो इट्स आईटी के दफातर बहुत ज्यादा अमेजिंग होते हैं। अच्छा जी, तो कहते हैं फिर पहला क्लाइंट मिला। अब उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी, और शायद उनके रिस्क में इसलिए इतनी बरकत थी, क्योंकि मैंने वाहिद कंपनी देखी है जिसमें कम अज कम 1500 से 3000 पढ़े लिखे एम्प्लॉयज थे। फैक्ट्री में तो वर्कर्स होते हैं, वो सारे पढ़े लिखे थे। जितनी बड़ी बस सर्विस उनकी थी, पूरे शहर से बसें चलाते थे कि इतने एम्प्लॉयज हैं, उनको लाना लेके जाना वगैरह, बहुत बड़े स्केल पे बिजनेस करते हैं, करोड़ों के उनके डॉलर्स में प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उनकी रिस्क में इतनी बरकत भी इसलिए थी क्योंकि उन्होंने सातों भाइयों को, बेशक कोई सतेला या सगा है, सब इन्वॉल्व थे। उनके वालिद साहब जब जिंदा थे तो वो भी आते होते थे, और हर कमरे में हर जगह पर उनके रिश्तेदार, बेशक कोई काबिल है किसी को काम आता नहीं आता, वो हर बंदे को रख लेते थे। और अभी पिछले दिनों भी एक स्टोरी लगी हुई थी कि उनके कंपनी में एक मुलाजिम, एक चौकीदार जिसकी बेटी ने आईटी में ऐसे कुछ पढ़ा, तो उन्होंने अपने चौकीदारों की बेटियों को भी, मतलब वो ये कहते थे कि भाई मैं चाहता हूँ हर बंदा काम करे और हर बंदा मेरे पास आए, और मुझे अल्लाह मियां उसके रिस्क का वसीला बना दे, तो अल्लाह मियां उनको बहुत नवाजा बता। ठीक है जी, तो सारी कहानी सुनाने का मकसद ये था कि वो भी शुरू में एक शेख चिली थे, उन्होंने सोचा एक नीश आइडेंटिफाई की, एक एरिया आइडेंटिफाई किया कि मैं अभी दुनिया में इसमें, और उन्होंने बिलीव किया और अनलिस्टेड कंपनी उन्होंने बनाई, और आज उनकी बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी है। ठीक है बच्चों, तो ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपको इसलिए दी है कि अगर आप भी सोचें, अगर आप भी मेहनत करें, अगर आप कंसिस्टेंट रहें, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स है कि बंदा सोचता है कि ये इनके पास आया कैसे, दुनिया के इस हिस्से में ये पहुंचे कैसे। अच्छा नहीं, सो तो नहीं गए कहानी सुनकर, शेख चिल्ली के ख्वाब तो नहीं देखने शुरू कर दिए कि सीए करके मैं भी। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों कंपनी की एक और टाइप भी होती है कंट्रोल के लिहाज से। हमने तीन टाइप्स पढ़ी, कल हमने पढ़ा था पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के लिहाज से, प्राइवेट और पब्लिक होगी कि अवाम इसमें आ सकती है, जनरल अवाम के नहीं। फिर हमने पढ़ा था, उससे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज के बेसिस पे कि कंपनी की लाइबिलिटी कितनी होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, या अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ये भी एक टाइप है, ये भी एक तरीका क्लासिफाई करने का। दूसरा तरीका पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है, और तीसरा तरीका क्लासिफाई करने का ये है कि एक कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट सबसे सिंपल आपके लिए समझना, क्योंकि आपके घर में भी यही सब कुछ हो रहा होता है। आपके घर में दो अदद पेरेंट्स हैं, कंपनी में एक ही पेरेंट होता है, लेकिन हो सकता है पेरेंट कंपनी का, बिल्कुल जैसे आपके पेरेंट्स का अल्लाह मियां की तरफ से क्या रोल है आपकी जिंदगी के अंदर, उन्होंने आपको क्या करके रखना है। सीधा करके रखना, सीधा करने को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट तो नहीं करके रखना, कंट्रोल करना उन्होंने आपको, कंट्रोल करते हैं ना आपको, आपको तो ये लगता है ना आपको कंट्रोल करते हैं, उनको लगता है कोई बिल्कुल नहीं करते। ट्यूनिंग जी, तो आपको तो लगता यही है कि आपको कंट्रोल करते हैं, उनको हमेशा ये गिला होता है कि मेरी बिल्कुल बात नहीं मानता। तो बच्चों कंपनीज में भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो दूसरे कंपनीज को कंट्रोल करती है। जो कंपनी कंट्रोल कर रही होती है उसको पेरेंट कंपनी बोलते हैं अकाउंटिंग में, लेकिन लॉ में हम उसको होल्डिंग कंपनी का लफ्ज देंगे। अकाउंटिंग में आप उसको पेरेंट कंपनी पढ़ेंगे, FAR 2 में जब कंसोलिडेशन पढ़ेंगे पेरेंट का लफ्ज होता है।
ताकि नाम सुनते ही पता चल जाए कि ये किसी और के ऊपर जाना बिला हो जाए। हाँ भैया, अच्छा जो कंपनी कंट्रोल हो रही होती है उसके लिए बड़ा मुश्किल सा लफ्ज है सब्सिडियरी, और हो सकता है बिल्कुल जैसे आपके दादा बू आपके अब्बा जी के पेरेंट है, आपके अबू आपके पेरेंट है, और फिर उसके बाद माशाल्लाह से आप आते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कंपनी की भी कोई लिमिट नहीं है। ओहो, और एक दिन इंशाल्लाह आपके अबू भी दादा बू बन जाएंगे, ठीक है। तो कोई लिमिट नहीं है कि कितनी सब्सिडरीज हो सकती हैं। और बिल्कुल जैसे दादा बू के बच्चे आपके अब्बा जी भी हैं, दादा बू की हो सकता है कोई बेटी भी हो, दादा बू के हो सकता है आपके कोई ताया बू भी हो, कोई चाचू भी हो, तो इसी तरह कंपनीज के भी कजन कंपनीज हो सकती है। ये बात समझ लगी आपको? इस सारे स्ट्रक्चर को हम उर्दू में तो शजरा नसब कहते हैं, लेकिन कंपनीज का शजरा नसब नहीं होता, कंपनी में हम, और अंग्रेजी में आप इसको फैमिली बोलते हैं, कंपनी में हम उसको ग्रुप ऑफ कंपनीज बोलते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है। कंपनी को फैमिली नहीं बोल सकते, बहुत अनऑफिशियल हो जाएगा, ठीक है। कंपनी को चित्र थोड़ी पड़ते हैं प्लास्टिक के, तो ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है। बच्चों होल्डिंग बनने के डिफरेंट तरीके हैं, कुछ सब्सिडरीज जो होती है ना वो फुली ओन्ड होती है। फुली ओन्ड का मतलब ये कि आप 100% जो शेयर्स है ना सब्सिडरी के वो आपने खरीदे हैं। अगर आपने 100% शेयर्स खरीदे हुए हैं तो वो सब्सिडरी सीधी सी बात है सिर्फ आपकी मर्जी से चलेगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके अब्बा जी दो कह देते हैं वो हल्फे आखिर है, और जो दादा वो कह देते हैं वो भी हल्फे आखिर है, ऐसे ही है ना। तो अबू किसकी मर्जी से चलते हैं? अपने अब्बा जी की मर्जी से। और आप किसकी मर्जी से चलते हैं? अपने अब्बा जी की मर्जी से भी और उनकी अब्बा जी की मर्जी से भी, और असल में किसकी मर्जी चल रही होती है? दादा बू की। तो सब सब्सिडरी सब्सिडरी की मर्जी से चल रही होती है, लेकिन सब्सिडरी पेरेंट की मर्जी से चल रही होती है। तो असल में कंट्रोल किसका होता है? पेरेंट का। मोहसिन घर की बातें बाहर नहीं बताते होते, ठीक है जी। तो ये बात याद रखें कि किसी भी ग्रुप ऑफ कंपनीज में सिर्फ एक पेरेंट होता है, असल कंट्रोल सिर्फ एक पार्टी का होता है, सब कुछ सिर्फ एक पेरेंट की मर्जी से चल रहा होता है। अच्छा, अब बेशकली अंग्रेजी मिक्स हो गई मेरी, बेशक कंट्रोल जो है बच्चों डायरेक्ट हो, ये डायरेक्ट कंट्रोल, ये इनडायरेक्ट कंट्रोल है, क्योंकि ये आप सब्सिडरी के थ्रू दूसरी सब्सिडरी पे सब सब्सिडरी पे अपनी पावर चला रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सब्सिडरी में 100% भी ऑन कर सकते हैं, कंट्रोल करने के लिए बस 50 से ज्यादा होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 50% होना चाहिए, इक्वल टू नहीं सॉरी 51 होना चाहिए, यहाँ पर 50 होगा तो फायदा नहीं होगा, ठीक है। किसी तरह से भी 50% से ज्यादा वोटिंग पावर कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो दो सिनेरियोस हो सकते हैं, मैं जरा इसको रेज कर लूं, ये इरेजर मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, दो तरह के बच्चों जी, मैं भी यही देख रही थी आयशा, मैं भी हाशिर यही देख रही थी कि मैं कॉन्सेप्ट में मगन हूं, मेरा दिल है कि मैं आपको समझा दूं, लेकिन 5 मिनट रह गए तो मैं आपको वॉइस नोट पे बाकी सब कुछ समझा दूंगी, ठीक। अभी मैं कॉन्सेप्ट जो है ना मेरी दिल कर रहा है समझाने का, अभी हम इसको देख लेते हैं। अच्छा बिलाल, अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बेटे मैसेज भेजूंगी, आप भी पढ़ लेना और बाकी सब लोग भी पढ़ लेना। तो
तो बच्चों एक तरीका ये है कि आपने 100% शेयर सब्सिडरी के ऑन किए हैं, या आपने फॉर एग्जांपल 70% सब्सिडरी के ऑन किए हैं, और ये सब्सिडरी जो है इसके बस आगे 62% जो है अगले सब्सिडरी के। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल सब्सिडरी के होली ओन सब्सिडरी या फुली ओन सब्सिडरी के 100% नहीं है, इस केस में भी आपके पास मेरा साबुन स्लो है, मेरा इरेजर स्लो है जी, इस सब्सिडरी के फॉर एग्जांपल आपके पास 54% है और सब सब्सिडरी के आपके पास 25%, ठीक है, और आगे इस सब्सिडरी के पास 52% शेयर है। तो आपके 25% प्लस 52% डायरेक्टली आपकी 25% होल्डिंग है, और इनडायरेक्टली आपकी 25% प्लस 52% होल्डिंग है, यानी आप डायरेक्टली भी शेयर ऑन कर सकते हैं, आपके 25% डायरेक्ट शेयर है, यहां पर आपके डायरेक्ट कोई शेयर्स नहीं है, 70% एक सब्सिडरी में थे उसको आप कंट्रोल कर रहे थे, उसके आगे 62% इसमें थे वो आगे कंट्रोल कर रही थी, तो यहाँ पे आप सिर्फ इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं सब सब्सिडरी को, लेकिन आप सब्सिडरी में डायरेक्टली भी खरीद सकते हैं, और है तो आपके पास 50% से कम, आपके पास सिर्फ 25% है, लेकिन जब आप ये 25% सब्सिडरी के 92% के साथ मिलाते हैं तो आपके पास 50% से ज्यादा पावर आ जाती है, तो आप डायरेक्टली भी ऑन कर सकते हैं और इनडायरेक्टली। तीसरा तरीका ये है, जैसे मोशन ने कहा कि कभी कभी कुछ पावर्स अम्मी के पास भी होती है, तो बच्चों तीसरा तरीका ये है कि आप जिन्होंने आपको चलाना है, जो आपकी वालदा मानना है, उनको कंट्रोल कर लिया जाए तो आपको कंट्रोल कर लेंगे। तो कंपनी में किसी कंपनी को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका ये है कि अगर उसको चलाने वाले आपके कंट्रोल में, आपकी मर्जी से आए मेजोरिटी, और उसको चलाने वाले को क्या बोला जाता है, तो अगर किसी भी कंपनी के डायरेक्टर्स की मेजोरिटी आपकी मर्जी से आई है तब भी कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। इसमें कोई नंबर इन्वॉल्व नहीं होगा कि 6 में से इतने आएंगे, 2 में से उतने आएंगे, कितने परसेंट होगा, इसमें नंबर नहीं होता, बस मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो दूसरा तरीका यही है कि अम्मी के थ्रू जो डायरेक्टर है, जिन्होंने आपको चलाना है, आपकी तरबियत करनी है, उनके थ्रू भी आपको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है जी। अच्छा अब बच्चों मैं बस 1-2 मिनट लूंगी आपके, ठीक है, मैं समारा की क्लास से पहले जल्दी से। ये स्क्रीन पर आपको समरीज नजर आ रही है, सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है, फिर फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन है, टाइप्स ऑफ बिजनेस है, फिर बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉरेन कंपनी है, लाइबिलिटी, कल जो हमने पढ़ा था पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, और आज जो हमने पढ़ा है होल्डिंग और सब्सिडरी। बिल्कुल जैसे मैंने आपको डायग्राम्स बना के समराइज करके बताया, आपने एक बड़ी सी अपने रजिस्टर के ऊपर, ये जो 2 पेजेस होते हैं इकट्ठे, इनके ऊपर एक बड़ी सी डायग्राम बनानी है कि अभी तक हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर, एक समरी आ जाए आपके सामने इस चैप्टर की। ये करने से पहले आपने चैप्टर याद करना, और बिलाल जो है इस चैप्टर का टेस्ट बनाएगा, होल्डिंग और सब्सिडरी तक का जो कॉन्सेप्ट है बिलाल टेस्ट बना चुका है, ठीक है। तो सिंगल मेंबर कंपनी के बाद पब्लिक कंपनी तक चले आप, होल्डिंग और सब्सिडरी, अच्छा हसीब है, सॉरी जी हसीब बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। तो मैम आपने वो टेस्ट अनाउंस किया है बिलो का कल जी, जी। लेकिन उसका जो टेस्ट डे है वो है थर्सडे, तो हम अगले थर्सडे को इनका चैप्टर 1 का फुली ले लें, नहीं तब हम चैप्टर 1 का पूरे का टेस्ट लेंगे, अभी जो हमने इस हफ्ते पढ़ा है उसका टेस्ट इस वीकेंड पर होगा, ठीक है, ठीक है, हर हफ्ते टेस्ट होगा, ये टेस्ट भी होगा, ठीक, तो पहले आपको टेस्ट तैयारी करनी है।
फिर आप लोगों ने समरी बनानी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट और देखना है बुक से कि कोई कॉन्सेप्ट आपका स्किप तो नहीं हो गया, और प्रैक्टिस क्वेश्चन ये आपने समरी भी एलएमएस पे अपलोड करनी है टेस्ट के इमेजेस के साथ। आप लोगों को मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन टीचिंग असिस्टेंट को भेज दूंगी, वो भी एलएमएस पे अपलोड होंगे, आपने उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे करने हैं एमसीक्यूज और क्वेश्चन जी, और छोटा सा टेस्ट होगा जो आपने करना। तो इतनी मरतबा आप रिवाइज करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, तो इंशाल्लाह कोई वजह ही नहीं है कि आपका पेपर पास ना हो, ठीक है। तो कंपनी लॉ में हमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी याद करने के लिहाज से, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।